जम्मू कश्मीर के अंदर नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रही है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक जिस स्थान पर लंबे समय से रह रहा है वहाँ की मतदाता सूचियों में वह अपना नाम जोड़ सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो हमारे देश के संविधान का एक महत्वपूर्ण अंश है वो देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो एक स्थान से अपने नाम को मतदाता सूची से कटवाने के बाद दूसरे स्थान जहां वो लंबे समय से रह रहा है वहां पर अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़ सकता है। ये सब संविधान के अनुसार है और इसकी इजाज़त हमारे देश का संविधान देता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के चलते द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लागू नहीं होता था, इसीलिए मतदाता सूचियों में इस प्रकार के प्रोविजंस को इससे पहले यहाँ अलो नहीं किया गया। अब धारा 370 के समापन के बाद जो कानून पूरे देश में है वही कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहा है और वो अपनी इच्छा से अपने मूल निवास स्थान से अपना वोट कटवाने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर अपना वोट अपनी मतदाता सूचियों में रहने वाले स्थान पर जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकता है। ये अनुमति हमारे देश का संविधान हमें देता है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनके विपरीत जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव और षड्यंत्र करने की साजिश कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये देश का वह कानून है जो 1950 में लागू किया गया पूरे देश में और अब धारा 370 के समापन के बाद यही द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 अब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये कोई नई संवैधानिक कोई अमेंडमेंट नहीं लाई गई है, ये पुराना कानून है जो जम्मू कश्मीर में अब लागू हुआ है। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।
providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. और रेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehndi courses so close to the students' home, that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective fields. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST. Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State of the art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multidimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 48D first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmi.